हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो मेरा कहना है, देखिए मैं क्लास टेन का जो भी ग्रामर है वो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। जो भी क्लास टेन के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट है, जो फ़िलहाल अभी 2020 में एग्ज़ाम देंगे, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल के अंदर जितना भी वीडियो है उसके अंदर जितना भी ग्रामर कराया हुआ है, ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, वो आप कर लीजिए। उससे बाहर कोई क्वेश्चन ग्रामर में आने वाला नहीं है। तो हिंदी का ग्रामर तो मैं एक्चुअल में बहुत करा चुका हूँ, वो देखिएगा मेरी वीडियो लिस्ट में और यह प्ले लिस्ट में जाके हिंदी ग्रामर पूरा हो चुका है। यहाँ तक कि बात हो रही है असामिस ग्रामर, तो उसमें अभी लगा हूँ मैं। असामिस ग्रामर ही कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। ऐसे प्रोवाइड कर चुका हूँ आपका विपरीत शब्द, उसके बाद एटा शब्द प्रकाश, उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट है जो मैं दे चुका हूँ, अभी दे रहा हूँ लिंग परिवर्तन करा, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ये आपको यहीं से पढ़ना है। मैंने बहुत रिसर्च किया उसके बाद। और एक बात है, जितना भी प्रीवियस पेपर है, आप प्रीवियस पेपर को उठाइएगा तो वो ग्रामर भी इसी के अंदर से ही आया हुआ है, इससे बाहर कोई ग्रामर नहीं आया है। इसीलिए मैं इस बुक को सोचा क्यों ना इसका ऊपर वीडियो बना दूँ, सबका हेल्प होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, इंग्लिश ग्रामर भी प्रोवाइड कराऊंगा मैं। इसके लिए आप एक काम कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक ये सॉरी सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आपको मिल जाएगा वो नोटिफिकेशन। तो क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा और नहीं करने से बाद में थोड़ी असुविधाएं होगी खोजने में। तो ये देखिए, यहाँ पे लिंग परिवर्तन आता ही आता है। अब सोचिएगा जे ये वर्ड तो आया नहीं है, ये सब वर्ड आया नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक स्टूडेंट जब 85 एक स्टूडेंट कोई 85-95 मार्क निकालता है ना अपने एग्ज़ाम में, लाता है ना, मान के चलिए आप 75 भी अगर लाना चाहते हैं, फिर भी आपको हार्डवर्क की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप थोड़ी सी पढ़ाई की है और चले गए। देखिए, असामिस मीडियम का स्टूडेंट लोग क्या भावता है, सोचता क्या है, देखिए ये आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसे उठाते जा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो देखिए, कुछ बातें बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान यहाँ पे होनी चाहिए। जो असामिस मीडियम का स्टूडेंट क्या सोचता है, जी भाई असामिस है, मुझे इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। वो लोग सोचता है कोई बात नहीं, एक बार रीडिंग करूँगा, एग्जाम में जाके बैठ जाऊँगा, मुझे ऑलरेडी याद है ये सब, ऐसी बात नहीं। आपका याद है मैं मानता हूँ, आप याद कर चुके हैं ये भी मानता हूँ, पर क्या आपने लिख के, ना देख कर लिख के उसको मिलाने की कोशिश की? नहीं ना, ये करता ही नहीं है, बोलता है मेरा तो स्पेलिंग भी सही होगा, हैंडराइटिंग भी सही है, ऐसी नहीं है। आपके अंदर बहुत गलतियाँ है, क्योंकि अभी ऐसा है कोई भी स्टूडेंट अपना गलतियाँ को स्वीकार नहीं करता है, अपने गलतियाँ को देखना नहीं चाहता है, दूसरे को ही देखता है। आप अपने आप को देखिए जो आपके अंदर कितना गलतियाँ है, इसके बाद देखिएगा आपका मार्क हाई रहेगा, क्योंकि अपने गलती को जब पकड़ लेंगे तो आप खुद सुधार लेंगे जो क्या सही है और क्या गलत है। तो ठीक है, ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा, ये मैं उठा रहा हूँ, आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक ये देखिए दूसरा पेज है, यहाँ से ये लिख लीजिएगा, ये दो साइड है, ये आपका ये इधर भी है और इधर भी है, ठीक है, दोनों तरफ है। मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, क्यों नहीं दे रहा हूँ, ज़्यादा है ही नहीं, 20 से 30-40 वर्ड है, अगर ये नहीं याद होगा तो कुछ काम का नहीं। और इसमें से कुछ ऐसा जो आपको पहले से याद है, कुछ ऐसा वर्ड रहता है जिस तरह देखिए छात्र छात्री, बांधो बांधवी, मानो मानवी, ये सब जो सिंपल वर्ड है, मामा मामी, ये सब जो सिंपल है, सुंदर सुंदरी, ये सब तो याद करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये कभी कभी इम्पोर्टेंट वर्ड इसके अंदर है जो थोड़ा टफ लगता है, वो आप कर लीजिएगा, राइट, वो करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से ये काफ़ी होगा आपको, यहाँ तक कर लीजिए, ये काफ़ी है, मोर देन एनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए, इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक बात है, ये पढ़ने के बाद आप इसको लिखिए, लिख कर मिलाइएगा कि आपके स्पेलिंग सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्टूडेंट का जो भी मार्क कम है, कोई स्टूडेंट बोलता है जी सर मैंने पढ़ाई तो 100% कर ली थी, मैंने पढ़ाई 100% की थी, पर मेरा मार्क तो 30%, 35%, 40% आ रहा है, पर क्यों ऐसा? आपका स्पेलिंग पे, आप अपने स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं इसलिए मार्क काट देता है एग्जामिनर। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो से सहायता होगा, आपका हेल्प मिलेगा। और एक बात है बोलना चाहता हूँ, देखिए मेरा जो चैनल है सिर्फ 2 महीना 1 महीना और टाइम है, 1 महीने के अंदर सब्सक्राइब आ नहीं रहा है तो इससे क्या होगा, मेरा चैनल बंद करा दिया जाएगा, कंपनी मेरा चैनल बंद कर देगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं जो मेरा चैनल बंद हो? मैं देखता हूँ क्या होता है, व्यू बहुत होता है, बहुत सारे व्यू करते हैं पर सब्सक्राइबर एकदम है ही नहीं। हर कोई आता है अपना वीडियो देखता है चला जाता है, ऐसा नहीं। आप एक सब्सक्राइब करके रखिए ना, आपका पैसा तो जाता नहीं है ना, कोई पैसा वगैरह तो नहीं जा रहा। और एक बात है, इस तरह मेरा क्या होगा, मेरा भी
अगर मेरा चैनल बना रहेगा तो इस तरह मैं हर एक जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी कमज़ोर स्टूडेंट हैं, जिनको अगर हेल्प चाहिए तो मैं उन लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं हेल्प करूँ, इसके लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं